सीएम योगी आदित्यनाथ आज सांसदों को भोज देंगे, यानी उन्होंने डिनर पर बुलाया है। दोपहर में सभी सीएम आवास पहुंच जाएंगे। सीएम आवास पर सभी सांसदों को बुलाया गया है। सीएम आवास में सांसदों का आना शुरू हो गया है। दोनों डिप्टी सीएम सुनील बंसल मौजूद रहेंगे, महेंद्रनाथ पांडे के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश के सभी सांसद हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोज पर बुलाया है। आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी यहां मौजूद हैं, रमापति राम त्रिपाठी मौजूद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद हैं, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मौजूद हैं और इसके साथ संतोष गंगवार, ये सारे लोग जो जीत कर आए हैं, रवि किशन भी यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी जीते हुए सांसद जो उत्तर प्रदेश से जीते हैं उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री आवास पर। आप देख रहे होंगे कि सभी सांसद मौजूद हैं यहाँ पर। स्मृति ईरानी जो अमेठी से जीती हैं, हरीश द्विवेदी हैं जो बस्ती से जीते हैं, ब्रजभूषण शरण हैं। इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के 62 सांसद वो आज यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि जो राजनाथ सिंह हैं जो लखनऊ के सांसद हैं और वाराणसी से जो नरेंद्र मोदी जीते हैं, उन दोनों के अलावा सभी सांसद यहाँ पर आज मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि जो सांसद हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और आज जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी जीते हुए सांसदों को भोज दिया है और यहाँ पर वो आज भोज देंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ बधाई भी देंगे जो जीते हुए सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित। ये सभी सांसद इस वक्त मौजूद हैं 5 कालिदास मार्ग पर और कुछ देर बाद यहाँ पर इनका परिचय का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर वो शुरू होगा। और सभी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हासिल की है, रवि किशन भी जो गोरखपुर से सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर 5 कालिदास मार्ग पर। और ये माना जा रहा है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कैसे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यानी कि जो नारा एक बार दिया गया या जो जिस तरह से चर्चा होती कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इस डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास को कैसे गति दी जाए, कैसे विकास को बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ इन सांसदों से परिचय होगा। और ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सांसदों को कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरह से इनका योगदान सुनिश्चित किया जाए। कैमरामैन गौरव के साथ फरमान अब्बास मंजिल, भारत समाचार, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ 5 कालिदास मार्ग से फरमान अब्बास जुड़ गए हैं। फरमान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सभी को भोज पर बुलाया है और साथ ही परिचय का कार्यक्रम है और कुछ संदेश है, चूंकि कल तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ भी लेंगे। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी हिस्सेदारी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है, दोबारा केंद्र में उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, रिकॉर्ड सांसद जीते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो बहुत अहम है। पिछले बार भी उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत अहम था और इस बार भी बहुत अहम योगदान है। जो 62 सांसद हैं वो जीत कर गए हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। इसके अलावा 2 उसके सहयोगी दल के सांसद हैं अपना दल के। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इन सांसदों की क्या भूमिका रहे, इस पर भी आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको सबको यहाँ पर बुलाया है। सारे सांसद यहाँ पर, चूँकि हालांकि जिस तरह से जो लखनऊ के सांसद हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वो हालांकि यहाँ पर आने की उनकी सूचना नहीं, और नरेंद्र मोदी चूँकि प्रधानमंत्री हैं अब वो वाराणसी से जीते हैं वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। बाकी सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम बड़े नाम यहाँ पर जिन्होंने चौंकाने वाले नतीजे भी दिए हैं वो भी यहाँ पर हैं। स्मृति ईरानी सबसे पहले यहाँ पर आ गई थी जो अमेठी से जीती हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको हराया है। इसके अलावा रवि किशन मौजूद हैं जो गोरखपुर से सांसद हैं। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो फिलहाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, तब उनका सबका परिचय होगा और उसके बाद फिर भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। इनमें से कई सांसद ऐसा हैं कि पहली बार चुन के आए हैं फरमान अब्बास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेंट्रल हॉल से मैसेज दिया, तो क्या ऐसा ही कोई प्रोग्राम रखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ऐसा कोई मैसेज देंगे जो पहली बार सांसद चुनकर आए हैं और उन्हें क्या बात करनी है क्या नहीं करना, चूंकि ये बात देश के प्रधानमंत्री ने बताई है सेंट्रल हॉल से।
देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ज़रूर कह सकते हैं इन सांसदों से कि जो जो एजेंडा है सरकार का, उत्तर प्रदेश से चूँकि सांसद हैं, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करेंगे दिल्ली में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास में क्या किस तरह से इनका शेयर रहे, किस तरह से इनका योगदान रहे, क्षेत्र का जो जो विकास है उस पर कैसे फोकस किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे इन नवनिर्वाचित सांसदों से। कई सांसद पहली बार जीतकर उत्तर प्रदेश से सदन में पहुँच रहे हैं। चलिए फरमान, आप बने रहिए, आपकी ही एक रिपोर्ट है, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। फरमान अब्बास ने एक रिपोर्ट कवर की है पांच कालिदास मार्ग से, देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी जीते हुए सांसद जो उत्तर प्रदेश से जीते हैं उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री आवास पर। आप देख रहे होंगे कि सभी सांसद मौजूद हैं यहाँ पर। स्मृति ईरानी जो अमेठी से जीती हैं, हरीश द्विवेदी हैं जो बस्ती से जीते हैं, ब्रजभूषण शरण हैं। इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से जो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 62 सांसद, वो आज यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि जो राजनाथ सिंह हैं जो लखनऊ के सांसद हैं, और वाराणसी से जो नरेंद्र मोदी जीते हैं, उन दोनों के अलावा सभी सांसद यहाँ पर आज मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहेंगे, मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि जो सांसद हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, और आज जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी जीते हुए सांसदों को भोज दिया है, और यहाँ पर वो आज भोज देंगे और सभी से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ बधाई भी देंगे जो जीते हुए सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित। ये सभी सांसद इस वक्त मौजूद हैं पांच कालिदास मार्ग पर, और कुछ देर बाद यहाँ पर इनका परिचय का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर वो शुरू होगा। और सभी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हासिल की है, रवि किशन भी जो गोरखपुर से सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर पांच कालिदास मार्ग पर, और ये माना जा रहा है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फरमान अब्बास फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। फरमान, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ आया नहीं और कितनी देर में आएंगे? सिर्फ ये कटसी मीटिंग है, यानी भोज होगा और भोज के बाद परिचय होगा, बस इतना ही कार्यक्रम है? देखिए, परिचय का कार्यक्रम है, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। जो हॉल है यहाँ पर पांच कालिदास मार्ग पर सरकारी आवास पर, यहाँ सांसद पहुँच गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे उस हॉल में, उसके बाद उनका परिचय सभी सांसदों का होगा। और जो, चूँकि मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया राहुल के, चूँकि डबल इंजन की सरकार की जो 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 बात है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि 2.5 साल बाद अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है तो सांसदों ने किस तरह से अपने क्षेत्र में जनता के बीच में काम किया। सांसद, चलिए बहुत शुक्रिया आपका फरमान अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां आ गए हैं। इधर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर